संदीप जी एक बात बताइए कि आज बहुत सारे नेता हैं बहुजन समाज के, बहुत सारी पार्टियों के अंदर हैं, लेकिन जब भी कोई बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है, कोई भी वो होता है, तो उसके ऊपर वो आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते हैं? देखिए, जैसे लोग डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं ना, ये लोग नौकरी कर रहे हैं, इनकी औकात नहीं बेचारों की राजनीति करने की। और सबका सिरा एक बात कहते थे कि जितने भी लोग हमारे दूसरी पार्टियों में, वो किराए के मकान में है, जिस दिन वो मालिक बनने की सोचेंगे उसको मकान खाली करवा लिया जाएगा। तो ये जो है ना, ये गुलाम हैं बेचारे, हैं जैसे जंगल में अगर शेर का शिकार करना तो बकरी को बांध देते हैं, फिर शेर का शिकार करते हैं। तो जो हमारा समाज है 85% है, वो एक बहुत बब्बर शेर की तरह इस देश में, और चंद बकरियों को बांधते हैं हमारे समाज को गुलाम बनाने के लिए, उनको भेजते हैं, देखो जी तुम्हारे समाज का MLA है, तुम्हारे समाज के आदमी को टिकट दिए, अरे भाई इस पिन पार्टी का अध्यक्ष बनाओ ना, हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री बनाओ ना, प्रधानमंत्री बनाओ ना, चलो तुम लोग जो है ना गुलाम बना के रखते हैं उनको, ये बोल नहीं सकते, अपनी लुगाई की सिफारिश नहीं कर सकते, तो ये लोग समाज का क्या काम करेंगे? तो ये जो है ना नौकरी वाले हैं, नौकरी वालों के जो है ना कभी मालिक नहीं होते। अगर मालिक कोई है तो बहन जी हैं BSP की, सुप्रीम है, आप जो है ना बहन जी को मजबूत करो, मैं तो यही कहूंगा। संदीप जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि 2019 के इलेक्शन नजदीक हैं और आपकी नजर में कौन डिजर्विंग करता है देश के प्रधानमंत्री के लिए? देखो, ये तो सब ने बता दिया आपको, कांग्रेस भी खूब कह रही है, BJP भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है आज दलित प्रधानमंत्री के लिए। युवा हमारा जो है ना बहुत जागरूक है ना, युवा चाहता कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। अब भाई मैं तो देखो वही कहूँगा, घूम फिर के बात आ जाती है बहन जी पे। अब बहन जी फैसला क्या लेती है, ये फैसला ऐतिहासिक होगा, बहन जी महागठबंधन में जाती हैं या अकेले चुनाव लड़ती हैं या क्या करती हैं। BJP की हार और जीत जो है ना बहन जी के फैसले पे तय होती है, अब वो देखो क्या फैसला लेंगे। नहीं, आपकी नज़र में कौन डिजर्व करता है, बहुजन समाज का या कोई BJP या कांग्रेस, कौन सी ऐसी पार्टी जो डिजर्विंग करती है अपने कामों से, अपने नेचर से, हर एक चीज़ से? देखिए, इस देश के संविधान विचारधारा किसके पास है? बाबा साहब की, इक्वलिटी की, समानता की, वो सिर्फ जो है ना बहन जी के पास है। और साहब काशीराम ने तैयार किया बहन जी को, जिनकी उस पर कोई आप संदेह नहीं कर सकते, साहब काशीराम जैसे व्यक्ति इस दुनिया में दोबारा पैदा नहीं होने, ठीक है? आप बहन जी हमारे पास उनकी प्रतिनिधि हैं, बहन जी ही डिजर्व करती हैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना, बहन जी ही पूरे देश में किसी से पूछ लो सबसे अच्छा शासनकाल किसका होता है। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी को चलाना आता तो मायावती है, तो जब मायावती को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आता है, इतना खुशहाल लखनऊ, इतना खुशहाल उत्तर प्रदेश बना, तो ये देश अगर कोई खुशहाल बना सकता तो बहन जी बना सकते हैं, और किसी की औकात नहीं बनाने। आप थे संदीप कुमार बालमी जी की, जो बहुजन समाज के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और पूरे देश की नज़र संदीप जी के ऊपर रहती है। SM News से बात करने के लिए संदीप साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, जय भीम, जय भारत। थैंक यू।